Welcome children. We are discussing the chapter photosynthesis in higher plants. This is the chapter 13 of class 11 biology. We have already discussed part 1 and part 2, and today we are going to discuss part 3. So let us see what we have already discussed and what we are going to discuss today. In part 1 and 2, we have already discussed what is photosynthesis, then the experiments related to photosynthesis, then the basic concepts which is required to understand the various reactions of photosynthesis. So as I have told you that the photosynthesis consists of two sets of reaction, that is light reaction and dark reaction. Today we will be discussing the light reaction. So let us start our discussion. So, as I said you that the light reaction is the light dependent process of photosynthesis, during which the breakdown of the oxidizable compound takes place, which gets oxidized and it releases hydrogen and oxygen, and that hydrogen is utilized for reduction of carbon dioxide during dark reaction. And besides that, during this light reaction, ATP and NADPH are also produced. So let me summarize what are the main steps in the light reaction. It uses energy from the sunlight, so it is light reaction. Splits water into H plus and H2O. So ye water ko break down karta hai. Light reaction में in presence of light, so it is known as photolysis of water, जिसके वजह से आपका proton and oxygen release होता है, H plus means it is proton, okay? Then converts ADP into ATP and NADP plus to NADPH. तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ produce क्या होता है आपका ATP और NADPH produce होता है, और क्या-क्या use होता है आपका सनलाइट एंड वाटर यूज होता है और प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन NADPH एंड ATP एंड द प्रोटॉन और यू कैन से द हाइड्रोजन इज रिलीज्ड. अभी इसके लिए जरूरत क्या है, कहाँ होता है? द लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द फोटोसिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज ETC एंड फोटोसिस्टम 1. यह एक पिक्चर दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं. ये है एक क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर है, जिसके अंदर हमने ग्राना का पिक्चर दिखाया है, और ग्राना में ये जो इंडिविजुअल पाइल दैट इज इंडिविजुअल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड थायलाकॉइड. सो ये थायलाकॉइड का जो एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन होता है वहां पर लाइट रिएक्शन होता है, और ये जो लाइट रिएक्शन है आप देख सकते हैं कि ये देखो यहाँ वाटर यूटिलाइज हो रहा है और लाइट यूटिलाइज हो रहा है, एरो मार्क से आपको पता चल जाएगा, और रिलीज क्या हो रहा है NADPH ATP और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं फोटोसिस्टम से. तो सबसे पहले हमको जानना है कि फोटोसिस्टम क्या है. थायलाकोइड के अंदर एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि लाइट को हार्वेस्ट करता है, ठीक है? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये है, सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकोइड एंड दिस इज द लुमेन ऑफ द थायलाकोइड, ठीक है? ये थायलाकोइड के मेम्ब्रेन में जो एक्सपोज है लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ, वहां पर आपके जो पिगमेंट्स मैंने बताया था, चार मेजर पिगमेंट्स प्रीवियस सेशन में बताया था, वो सारे पिगमेंट्स यहाँ पर है, और ये सारे पिगमेंट्स लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. और ये फोटोसिस्टम या फोटोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो तरह का होता है, एक है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. तो फोटोसिस्टम में होता क्या है, उसका एक सेंटर दैट इज रिएक्शन सेंटर कहा जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल ए इज ऑलवेज द रिएक्शन सेंटर, तो यहाँ पर एक स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए होता है
जो कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइट को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन सेंटर जो कि सेंटर में रहता है और उसके चारों तरफ बाकी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी, जांतोफिल, ये सारे इसके चारों तरफ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थायलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन के ऊपर ही, मेम्ब्रेन में ही ये सारे पिगमेंट्स है और ये फोटोसिस्टम है। सो जब लाइट इस पिगमेंट के ऊपर गिरता है तो लाइट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पिगमेंट टू अदर पिगमेंट एंड इन दिस वे द लाइट रीचेस द रिएक्शन सेंटर वेयर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन और द अब्जॉर्प्शन एट द मैक्सिमम वेवलेंथ टेक्स प्लेस। सो जब ज्यादा एनर्जी इसको मिलता है तो उसका जो एटॉम का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं और वहां से रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन आपका जाकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो यहाँ दूसरा कंपाउंड होता है जो कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो फोटोसिस्टम टू के लिए और फोटोसिस्टम वन के लिए डिफरेंट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और फोटोसिस्टम वन एंड टू के लिए जो स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए होता है जो कि रिएक्शन सेंटर बनाता है उसका भी दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो ऑब्जर्व करता है वो भी डिफरेंट होता है। सो दिस इज द होल थिंग दैट इज द रिएक्शन सेंटर and the accessory pigments which are present surrounding it which together harvest the light are called light harvesting complex. Now let us see the photosystem 1 and photosystem 2. So here you can see this is your photosystem 2 and this is photosystem 1 and photosystem 2 its a reaction center is chlorophyll A pair of chlorophyll A whose maximum absorption is 680. That's why it is also known as P680. 680 nanometer is the maximum absorption by this chlorophyll A, the central molecule. So it is P680 and the electron that is released from the P680 or the center reaction center is accepted by a primary acceptor that is called pheophytin. But in case of photosystem 1, you can see that the center reaction center is constituted by a special pair of chlorophyll A which can absorb the light of a maximum wavelength 700. And the electron released from it, यहाँ से जो electron release होता है उसको कौन accept करता है? Chlorophyll A zero. Okay. And both of them, ये दोनों ही एक iron sulfur containing protein होते हैं जो कि electron को accept करते हैं। तो बस आप इतना जान के रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर से रिलीज होता है उसको एक प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, बाकी चीज हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे जो कि हमारे टेक्स्ट में नहीं है। तो यहाँ दोनों केस में आप देख सकते हैं कि लाइट किस तरह जो एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर आता है, फिर एक से दूसरे के ऊपर दूसरे से ट्रांसमिट होता है एंड अल्टीमेटली ये जाता है रिएक्शन सेंटर में। और मैंने आपको बताया था ये पिगमेंट किस तरह काम करते हैं, बाय अब्सॉर्बिंग लाइट, बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट एंड बाय ट्रांसमिटिंग लाइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह ये पिगमेंट्स लाइट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आपका जैसे मैंने बताया ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो अभी हम देखेंगे ये सब जो है फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू कहाँ पर लोकेट होता है। हमने तो बता दिया कि थायलाकोइड मेम्ब्रेन में दोनों ही होते हैं, लेकिन थायलाकोइड मेम्ब्रेन का कौन से हिस्से में फोटोसिस्टम टू होता है, कौन से हिस्से में फोटोसिस्टम वन होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका ग्राना और ये एक एक जो है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ये है थायलाकोइड। तो आपका फोटोसिस्टम टू आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली आई हैव शोन हियर फोटोसिस्टम टू या
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 कहां पर लोकेटेड है, जो कि ज्यादा लाइट मिलता है जिस रीजन को, ठीक है, दैट इज आप देख सकते हैं यहां पर दिस इज द नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थायलाकोइड। थायलाकोइड का ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट मींस जो कि पूरी तरह एक्सपोज है डायरेक्ट लाइट को, ठीक है। यहां पर आपका फोटोसिस्टम 2 है, तो आप देख सकते हैं ये सब फोटोसिस्टम 2, ये सब है फोटोसिस्टम 2 यहां पर है। अभी फोटोसिस्टम 1 कहां है, इसके नीचे वाले मेम्ब्रेन, मतलब एक दूसरे के साथ जो मेम्ब्रेन चिपके हुए हैं, ये जो बाहर की तरफ एक्सपोज हुए हैं वहां पर फोटोसिस्टम 2 है, और बाकी जो मेम्ब्रेन जो कि एप्रेस्ड पार्ट है, मतलब दोनों थायलाकोइड के बीच में जो दो कांटेक्ट में है, उस मेम्ब्रेन में आपका फोटोसिस्टम 1 या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 होता है। तो आप यहाँ अच्छी तरह पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने दिखाया है इसके नीचे वाला जो मेम्ब्रेन होता है, ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन फोटोसिस्टम 2 का लोकेशन है और नीचे वाला मेम्ब्रेन फोटोसिस्टम 1 का लोकेशन है। ठीक उसी तरह इस ग्राना का भी, इस थायलाकोइड का भी, जो बाहर की तरफ एक्सपोज है, तो जो डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है वहां पर आपका फोटोसिस्टम 1 लोकेटेड है, लेकिन अंदर की तरफ जो कि लाइट को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो रहा है वहां पर आपका फोटोसिस्टम 1 लोकेटेड है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया है फोटोसिस्टम क्या होता है और फोटोसिस्टम 1 एंड 2 का लोकेशन क्या है। अभी कुछ डिफरेंस आप देखेंगे फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में। फोटोसिस्टम 1 जैसे मैंने बताया लोकेटेड एट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्राना थायलाकोइड मेम्ब्रेन, दैट इज द नॉन एप्रेस्ड ग्रानल रीजन एंड द स्ट्रोमा लामेला, एंड फोटोसिस्टम 2 इज लोकेटेड इन द इनर सरफेस ऑफ द ग्राना थायलाकोइड मेम्ब्रेन, एंड द फोटो सेंटर फॉर फोटोसिस्टम 1 इज 700 एंड फोटोसिस्टम 2 इज 680, ओके, एंड बोथ ऑफ देम हैव आयरन सल्फर कंटेनिंग रिएक्शन सेंटर व्हिच एक्ट एज द प्राइमरी एक्सेप्टर्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर क्लास, सो लेट अस लीव इट। नाउ दिस इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन दिस इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, व्हाट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना मॉलिक्यूल्स भी पूछा जाता है आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स चारों तरफ है और ये सेंटर में रिएक्शन सेंटर जो एक पेयर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स का, तो यहाँ फोटॉन्स ऑफ लाइट इज रिसीव्ड बाय द एक्सेसरी पिगमेंट्स दैट इज प्रेजेंट सराउंडिंग द रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर को ज्यादा एनर्जी जब मिलता है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जाता है कहाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है। अभी देखिए ये एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, जिसको हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा है। आप देख सकते हैं ये है मेम्ब्रेन थायलाकोइड का, यहाँ सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स है और ये किस तरह लाइट आ रहा है एक से दूसरे में पास होते हुए सेंटर रिएक्शन सेंटर में जाता है और रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है एंड दैट इज रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके, और ये है एक फोटो सिस्टम, इसको कहा जाता है फोटो सिस्टम, ओके। उसके बाद हम देखेंगे फोटो फॉस्फोरिलेशन। अभी हम शुरू करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है ये लाइट रिएक्शन में। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 तो हम जान लिए, अभी दूसरा जो प्रोसेस है और जो कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच होता है उसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी एंड इट आल्सो सिंथेसाइजेस द एनर्जी दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स बाय ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप इनटू एडीपी मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। एटीपी का सिंथेसिस को फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है, और क्योंकि ये प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में होता है इसलिए इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है।
सो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन दो तरह का होता है, एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जहां पर हम पढ़ेंगे फोटोसिस्टम 2 और 1 का रोल, और उसके अलावा जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन किस तरह ट्रांसफर होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये है पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम ऑफ लाइटेशन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पाथवे है, ये जो साइक्लिक पाथवे है, ये एक नॉन साइक्लिक पाथवे है, यहाँ पर एक जेड का फिगर जैसा आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ेंगे कि किस तरह आपका, देखो ये पिगमेंट, ये जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम 2 और 1, दोनों के ऊपर लाइट गिरते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होता है रिएक्शन सेंटर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी रिएक्शन सेंटर तक लाइट जा रहा है, P700, P680। Now what happens, P680 absorbs maximum energy और क्या रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। सो यहाँ 2 क्लोरोफिल है, तो दोनों क्लोरोफिल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है, जो कि एक आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ये है स्टेप 1, ये 1, 2, 3, 4 पूरा स्टेप आपको स्टेप वाइज दिया गया है क्या क्या इवेंट होता है। उसके बाद ये आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है प्लास्टोक्विनोन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक हिस्सा है। फिर प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, यहाँ पर काफी सारे साइटोक्रोम होते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, दैट्स व्हाई आई हैव आल्सो नॉट गिवन यू। सो प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद प्लास्टोसायनिन होते हुए वो कहाँ आ जाते हैं, फोटोसिस्टम 1 में आ जाते हैं। तो फोटोसिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड होता है बाय गेटिंग 680 वेवलेंथ का लाइट रिसीव करके, हाई एनर्जी जो कि उसको पेरिफेरल मॉलिक्यूल से मिलता है, पिगमेंट से मिलता है। तो अभी ये प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हुए फोटोसिस्टम 1 में आता है। अभी ये फोटोसिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन क्यों रिसीव करेगा, उसके पास अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है तो इट कैनॉट रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ देखो, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी लाइट गिरता है बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड, सो साइमल्टेनियसली दे रिसीव द लाइट। सो दोनों ही एक्साइटेड होते हैं और दोनों में ही एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है रिएक्शन सेंटर से, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। लेकिन ये जो फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो फोटोसिस्टम 2 को आ जाता है इलेक्ट्रॉन और उसको कंपेंसेट कर देता है। तो यहाँ पर जो लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन, वो कहां से मिल गया उसको, फोटोसिस्टम 2 से, ठीक है। फिर लेकिन यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो प्राइमरी एक्सेप्टर से होते हुए फेरेडॉक्सिन, फिर से ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हुए वो चला जाता है आपका एनएडीपी प्लस के पास, एनएडीपी प्लस देखो आप यहाँ पर है एनएडीपी के पास चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एनएडीपी को मिल जाता है और वाटर जब ब्रेकडाउन होता है तो वहां से उसको प्रोटॉन मिल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलके हाइड्रोजन बनाते हैं, और एनएडीपी इन प्रेजेंस ऑफ एनएडीपी प्लस रिडक्टेज एंजाइम ये एनएडीपी एच में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो यहां पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, लेकिन यहां जो लॉस हुआ फोटोसिस्टम 1 में वो फोटोसिस्टम 2 से मिल गया, और फोटोसिस्टम 1 से जो लॉस हुआ दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर रिड्यूसिंग द एनएडीपी प्लस टू प्रोड्यूस एनएडीपीएच।
लेकिन रिडक्शन करने के लिए हमको हाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाकी दो प्रोटॉन आता है आपका वाटर से। अभी वाटर का काम हमने नहीं बताया, अभी वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतना आप याद रखिए कि ये जो 2H+ है ये वाटर से आ जाता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन आकर दो इलेक्ट्रॉन प्लस दो प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन बनाते हैं और NADP+ को रिड्यूस कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NADP+ रिडक्टेज। और यहाँ पर भी सीधा प्राइमरी एक्सेप्टर से NADP+ तक इलेक्ट्रॉन सीधा ऐसे नहीं आ जाता, इट हैज टू पास थ्रू मेनी कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो अभी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसमें नहीं है, फोटोसिस्टम वन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन कमी है क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया फोटोसिस्टम टू। तो अभी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ कहाँ कहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन, आप देखो यहाँ स्टेप टू, आप देखो यहाँ मैंने दिखाया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर लाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट होता है, जिसको कहा जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ आप देख सकते हैं वाटर ब्रेक डाउन होकर क्या प्रोड्यूस किया है, 2H+ एंड हाफ H2O, हाफ O2। सो एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने से 2H+ यानी 2 प्रोटॉन एंड हाफ O2 रिलीज कर रहा है, और ये O2 रिलीज हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर। और ये जो 2H+ रहता है ये H2 है, तो ये क्या रिलीज करेगा, 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो हाइड्रोजन कैसे बना, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन से। जब H2 ब्रेक डाउन होता है तो 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ फोटोसिस्टम 2 में जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे, वो दो इलेक्ट्रॉन फिर वाटर से यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो दो प्रोटॉन है ये कहाँ यूटिलाइज होता है आपका, यहाँ मैंने दिखाया NADP+ को रिड्यूस करने के लिए यूज हो जाता है। तो बच्चों ये है नॉन साइक्लिक, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास फिर वापस नहीं आता, लेकिन उस स्टेबल स्टेट में आता है जब वो दूसरे से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। तो मैं फिर से इसको अच्छे से समझा देती हूँ आपको ब्रीफली। लाइट फॉल्स ऑन फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 साइमल्टेनियसली, और फोटोसिस्टम 1 से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ उसको कॉम्पेंसेट करता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दिस इज स्टेप 2। वाटर ब्रेक डाउन होने से ऑक्सीजन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन ये जो लॉस हुआ था इसको कॉम्पेंसेट कर देते हैं, और ये दो प्रोटॉन हमारे फ्यूचर में काम में आते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को रिलीज हो जाता है। अभी ये यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हुए फोटोसिस्टम 1 का जो लॉस हुआ था लाइट की वजह से उसको कॉम्पेंसेट करता है, और यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन होता है वो NADP+ को रिड्यूस करता है वाटर से प्रोटॉन लेकर, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जाकर NADP+ को रिड्यूस करते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और यहाँ पर और एक चीज बच्चों, जब प्राइमरी एक्सेप्टर से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है अप टू फोटोसिस्टम 1, यहाँ पर ATP सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके वजह से एनर्जी रिलीज होता है, और उस एनर्जी ट्रैप हो जाता है ATP के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ, NADPH और ATP, ये दो चीज, और क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन। तो तीन चीज हमको यहाँ मिल रहे हैं, ऑक्सीजन, ATP एंड NADPH+ आर द आउटपुट, और इनपुट क्या है, इनपुट है लाइट, ओनली लाइट एंड वाटर, ओनली लाइट एंड वाटर। और क्या चाहिए हमको, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, दैट इज द होल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पर क्लियरली आई हैव शोन यू हाउ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो ये है वाटर, वाटर जब ब्रेक डाउन होता है तो ये रिलीज करता है दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2। सो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है फोटोसिस्टम
टू में। उसके बाद हम अभी देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हम अब देख सकते हैं कि लाइट, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों, आपको याद रखना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली क्लोरोफिल दैट इज टू और द फोटोसिस्टम टू टेक्स पार्ट। एंड हियर यू कैन सी दैट इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन द क्लोरोफिल दैट इज द फोटोसिस्टम टू, the electron which is released from photosystem 2 again comes back to the photosystem 2, okay, that's why it is called cyclic। ये अच्छी तरह मैं आपको next slide से समझाती हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पर cyclic and non-cyclic में किस तरह होता है। ये है आपका non-cyclic photophosphorylation, जहाँ पर आपका electron जहाँ से release होता है वहाँ पर वापस नहीं आता, इसीलिए cyclic नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो किसी दूसरे सोर्स से मिलता है, लेकिन ऊपर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दिया गया है जहां पर आपका फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो आपका प्राइमरी एक्सेप्टर से होते हुए फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हुए वापस आ जाता है फोटोसिस्टम 2 में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और इस प्रोसेस में NADPH यूज नहीं होता, वाटर ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि यहां से जो लॉस होता है फिर वही इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, इसलिए उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए वाटर की ब्रेकडाउन नहीं होती और यहाँ पर NADPH भी सिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ ATP सिंथेसिस होती है। तो ये यहाँ पर दो डिफरेंस मैंने बताया, जैसे फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 का इन्वॉल्वमेंट होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली फोटोसिस्टम 2 पार्टिसिपेट करता है, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होकर फिर वापस आ जाता है वहीं पर। तो यहाँ कुछ डिफरेंसेस मैंने दिया हुआ है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डिफरेंस। यहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व्ड, बट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटोसिस्टम 1 एंड 2 बोथ आर इन्वॉल्व्ड। रिएक्शन सेंटर इज P700 एंड रिएक्शन सेंटर इज P680। सो चिल्ड्रन हियर आई वुड लाइक टू मेंशन यू, यहाँ पर आपका जो एक पिक्चर दिया हुआ है दैट इज P700 इज द फोटोसिस्टम 1। ये फोटोसिस्टम 1 ही पार्टिसिपेट करता है आपका साइक्लिक में। अगेन आई एम टेलिंग यू ओनली फोटोसिस्टम 1, नो फोटोसिस्टम 2 इज प्लेइंग रोल हियर। और क्यों ऐसा होता है कि फोटोसिस्टम 1 आपका जो है आपका जो एप्रेस्ड पार्ट में होता है थायलाकोइड का, और वहां पर आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है This is only photosystem 1, but यहाँ पर photosystem 1, 2 दोनों काम करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हुए फिर वापस आ जाता है photosystem 1 में, लेकिन यहाँ से photosystem 1 से photosystem 2 तक जाता है, फिर 2 से NADP तक जाता है और यहाँ वाटर से इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो ये डिफरेंस बहुत ही जरूरी है बच्चों। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में photosystem 1 इज ओनली इन्वॉल्व, नॉन साइक्लिक में बोथ आर इन्वॉल्व। यहाँ रिएक्शन सेंटर है P700, यहाँ रिएक्शन सेंटर है P680, क्योंकि ये शुरू होता है PS2 से, सो इसलिए P680। सो दोनों सिस्टम है तो हम बोल सकते हैं कि P680 एंड P700 दोनों ही काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड आर साइकल्ड बैक, जैसे मैंने बताया PS1 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो फिर वापस आ जाता है PS1 में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो PS1 में या PS2 में वापस नहीं आता, PS1 का जो इलेक्ट्रॉन है PS2 में आता है, और PS2 का जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है PS2 का जो इलेक्ट्रॉन है PS1 में आता है, PS1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो NADP में जाता है,
और वाटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो PS2 में आता है. देन फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है. साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में सिर्फ ATP सिंथेसिस होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक में ATP एंड NADPH दोनों सिंथेसिस होते हैं. यहाँ पर साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में फोटो फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस एट टू प्लेस, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है साइक्लिक में ATP सिंथेसिस होता है दो ATP, और यहाँ फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस ओनली एट वन प्लेस, एक ही जगह पर फॉस्फोरिलेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास करता है. सो इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर. जैसे आपका नॉन साइक्लिक में वाटर की जरूरत है, तो उस तरह यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉन साइक्लिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत है, जो कि वाटर या फिर जैसे पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में H2S इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बच्चों आपको ये लाइट रिएक्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और जैसे मैं फिर से आपको समराइज कर देती हूँ कि इसमें हमने पढ़ा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू. फोटोसिस्टम वन एंड टू दोनों में ही सेंटर में आपका रिएक्शन सेंटर होता है, उसके चारों तरफ जो पिगमेंट्स होते हैं वो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं लाइक क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, जिसको एंटीना मॉलिक्यूल कहा जाता है. एंटीना मॉलिक्यूल का काम है कि वो जो लाइट एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करके रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाए, इसीलिए इसको राइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. और ये फोटोसिस्टम वन एंड टू का लोकेशन हमने बताया, उसके बाद फोटोसिस्टम वन एंड टू का रोल इन लाइट रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन इसलिए कहा जाता है कि इस प्रोसेस में ATP की सिंथेसिस होती है बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो नॉन साइक्लिक में जैसे फोटोसिस्टम टू से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है वो फोटोसिस्टम टू में वापस नहीं आता, वो फोटोसिस्टम वन में जाता है. फोटोसिस्टम वन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो फोटोसिस्टम वन में नहीं आता, वो NADP में जाता है. तो इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक कहा जाता है. लेकिन जैसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी ATP सिंथेसिस होता है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिस्टम वन से, यहाँ सिर्फ फोटोसिस्टम वन ही पार्टिसिपेट करता है, और फोटोसिस्टम वन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन फिर फोटोसिस्टम वन में वापस आ जाता है, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है. और दोनों में इनपुट एंड आउटपुट मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. और एक बात है बच्चों, लाइट रिएक्शन का जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का साइड भी आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि आपका जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वहां सिर्फ फोटोसिस्टम वन पार्टिसिपेट करता है, और हमने आपको फोटोसिस्टम वन का लोकेशन बताया है, तो वो लोकेशन के हिसाब से आपको पता चल चुका है कि कहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है. और क्योंकि इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटोसिस्टम वन एंड टू दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कहाँ पर होता है. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बच्चों आप नेक्स्ट आप तैयार रहिए और फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. हमने तो अभी पढ़ लिया कि यहाँ पर ATP सिंथेसिस होता है, लेकिन ये ATP सिंथेसिस कैसे होता है ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और उस प्रोसेस का नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. इट इज जस्ट ए हाइपोथेसिस, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, तो इसीलिए बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो चिल्ड्रेन please go through the light reaction that is cyclic and non-cyclic photophosphorylation each and every step very clearly, then we'll discuss the chemiosmotic hypothesis in our next session. Thank you children, thank you so much for watching this video till end.